ऐसे एथलीट कभी भी उनकी जर्नी इजी नहीं हो सकते, क्योंकि जी लाइफ में हर एक चीज में बहुत ज्यादा चैलेंजेस, बहुत कुछ अपने आप से फेस करना पड़ते हैं। उसके बाद मैं 10 ट्रेनिंग शुरू किया तो मेरा ACL गया, एंट्रिकुशियल लिगामेंट, फिर मेरा सर्जरी, फिर मैंने कमबैक किया, गोल्ड और एक ब्रॉन्ज जीती, फिर मेरा ACL गया, फिर मैं कमबैक किया, फिर बहुत झूठ झमेला आया बीच में, फिर मैं अभी कर रही हूँ, लास्ट में बाकू वर्ल्ड कप गई थी मैं, उसमें जस्ट 0.15 भी नहीं, उससे भी कम के लिए मेरा मेडल हाथ से गया, मैं फोर्थ फिनिश किया। बोले आगे अच्छा होगा, क्योंकि कभी हारना नहीं चाहिए जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा तो यही कहना है कि जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, हार्डवर्क करते रहेंगे, आगे देखेंगे जो भी होगा। अगर हम खुद से स्ट्रांग फील कर सकते, फिर से मैं मेंटली की बात कर रहा हूँ, अगर हम खुद से स्ट्रांग है और हम सच्चाई के रास्ते में है, तो हमेशा हमें थोड़ा देर होगा बट सच्चाई जरूर आगे आएगी। Welcome to the Garima Avtaar Show. In today's episode, I have with me Deepa Karmakar, a Padma Shri awardee and acclaimed Indian gymnast hailing from Tripura state, who made history as the first female gymnast from India to compete in the Olympics. She got a bronze medal at the 2014 Commonwealth Games in Glasgow, marking the first ever podium finish by an Indian female gymnast at the Games. She also secured a bronze at the Asian Gymnastics Championships and achieved a notable fifth place at the 2015 World Artistic Gymnastics Championships. Deepa represented India in the 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro. This marked the first time for any Indian gymnast participating in the Olympics since 1964. At the Olympics, she narrowly missed a medal in the vault event, finishing in fourth place by just 0.15 points. In a historic moment in July 2018, Deepa Karmakar became the first Indian gymnast to secure a gold medal in the vault event of the FIG Artistic Gymnastics World Challenge Cup in Turkey. For her remarkable achievements, Deepa has received several accolades. She was awarded the Padma Shri, and in recognition of her performance at the Rio Olympics 2016, she was honored with the Major Dhyan Chand Khel Ratna Award by the Government of India in 2016. Thanks for joining me, Deepa. आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। सो दीपा, आप यू नो अपने स्पोर्ट्स जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। आप आई एम श्योर आपने अपने जीवन में बहुत चुनौतियों का भी सामना किया होगा, तो उन चैलेंजेस के बारे में थोड़ा बताइए और आपने उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया। देखिए, एज ए एथलीट कभी भी उनकी जर्नी ईजी नहीं हो सकते जी, क्योंकि लाइफ में हर एक चीज में बहुत ज्यादा चैलेंजेस, बहुत कुछ अपने आप से फेस करना पड़ते हैं वो सब। पहले तो जब मैं छोटी थी, मुझे इतना कुछ चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा सिवाय इंजुरी की। बट एज ए लास्ट 5 ईयर्स मैं जो इंजुरी के साथ एंड एवरीथिंग, हर एक चीज के साथ मैं लड़के आज यहाँ पे हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगा था मैं ऐसे एक एथलीट हूँ, शायद कहीं मुझे दिक्कत आएगी नहीं, बट वो रॉन्ग वर्ड था, क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स मुझे लास्ट 20 ईयर्स में जो प्रॉब्लम नहीं फेस करना, लास्ट 5 ईयर्स में इतने, क्योंकि डबल डबल सर्जरी, इंजरी, क्योंकि एक एथलीट को जब एक सर्जरी हो जाते, फिर डबल सर्जरी, फिर एंकल, एवरीथिंग, वो सब चीज़ के बाद उसको उस चीज़ से कमबैक आने में बहुत ज़्यादा एक मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बस हम, मेरा और मेरे जो कोच है मिस्टर नंदी सर, हम सबका एक ही है, बस कमबैक करना है, अच्छा परफॉर्मेंस देके फिर आगे बढ़ना है, यही सोच रहा पहले भी, अभी भी, और होपफुली जितने दिन मैं जिमनास्टिक्स फील्ड में रहूँगी तब तक यही है कि जब तक है अपना 100% देना है। कभी अपने आप से ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया। तो ऐसे एथलीट उनको मेंटली बहुत स्ट्रेंथ होना पड़ता है, क्योंकि हमेशा आपको कहीं ना कहीं चीज़ की सामने करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए आपको मेंटली आपको हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ता है। नहीं नहीं बहुत एकदम एकदम सही बात, मतलब आपने बताई कि इंजरीज का कमबैक भी इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग। आपकी मुझे ये बताइए, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी जिमनास्टिक्स में आने की? आपने क्या सोचा और
क्या चीज आपको आपको बहुत प्रेरित की जिम्नास्टिक्स में? देखिए एक्चुअली मैं जब जिम्नास्टिक्स में एडमिशन हुई, मेरा एज था 5.5, तब मुझे इतना जिम्नास्टिक्स के बारे में पता भी नहीं था, ना मुझे इतना कोई इंटरेस्ट था मुझे अच्छा जिम्नास्ट बनना है, और ना मैं उस टाइम जानती थी ओलंपिक क्या है। जैसे आज के एथलीट, आज के बच्चे, उनको अगर एडमिशन कराओ पहले पूछते क्या करना है, हमें ओलंपिक जाना है, ओलंपिक मेडल लाना है, बट हमें उस टाइम नहीं पता था। हम धीरे धीरे बढ़ते गए, तो 2007 में पहली बार मैं जूनियर पे चैम्पियंस रनर सब बनी और मुझे 3 गोल्ड मिला, और उसके बाद धीरे धीरे मैं बढ़ती गई आगे। फिर मुझे 2009 पे एक नेशनल कैंप में बुलाया गया, मैं सिलेक्ट हुई नेशनल कैंप में, तो वहाँ से सीनियर्स को देखे, तो मैं सब जूनियर थी तब, एकदम छोटी, सबसे छोटी, सबको देखा, और उनका जो पेशन था ट्रेनिंग का, उनका जो एक मोटिव था कैसे करना है क्या करना है, वो सब चीज़ देख के मुझे लगा कि नहीं हमें भी आगे जाके कंट्री के लिए कुछ करना है, और स्पेशली अपने गेम के लिए, अपने गेन अपने लिए करेंगे तो नॉट आउट वो कंट्री आएगी उस जगह पे। तो बस 2010 में मैं कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सिलेक्ट हुई, वहाँ पे मैंने 4th-5th फिनिश किया, बट 2010 में हमारी आशीष भैया थे, उनको मेडल मिला, तो उनके बाद लगा कि नहीं हमारी गर्ल्स को भी मेडल मिलना चाहिए, उसके लिए हमें हार्डवर्क करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बॉयज़ को मेडल के बाद गर्ल्स को हमेशा ऐसा था कि हाँ गर्ल्स नहीं बढ़ सकते आगे, नहीं कर सकते, गर्ल्स से इतना वो नहीं है, उम्मीद नहीं है। तो मेरे कोच सर और हम लोगों ने मिलके प्लान बनाया कैसे करना है क्या करना है, तो हम धीरे धीरे अपना ट्रेनिंग शेड्यूल, ट्रेनिंग का प्लानिंग चेंज किया। फिर उस टाइम हम 2014 को टारगेट आगे रख के, तो हमने मेरा जो आज पहचान है वॉल्ट, और वॉल्ट की प्रोदोनोवा वॉल्ट, उसको मैंने चूज किया, और फिर धीरे धीरे आगे गए, तो सक्सेसफुली लैंड होके मैं 2014 ग्लासगो मेडल आया, 2015 एशियन चैम्पियनशिप, 2015 वर्ल्ड चैम्पियनशिप, पहली बार कोई लड़की ने फाइनल पहुंचे, लड़की ने शायद जिमनास्टिक्स में कोई फाइनल पहुंचे, उसके बाद मुझे वर्ल्ड क्लास पिन भी मिला है FIG से, उसके बाद मैं रियो पहुंची, सबको बताए रियो, उसके बाद मैं 10 ट्रेनिंग शुरू किया, तो मेरा ACL गया, एंट्रिकुशियल लिगामेंट, फिर मेरा सर्जरी, फिर मैंने कमबैक किया, गोल्ड और एक ब्रॉन्ज जीत के, फिर मेरा ACL गया, फिर मैं कमबैक किया, फिर बहुत झूठ झमेला आया बीच में, फिर मैं अभी कर रही हूँ, लास्ट में बाकू वर्ल्ड कप गई थी मैं, उसमें जस्ट 0.15 भी नहीं, उससे भी कम के लिए मेरा मेडल हाथ से गया, मैं 4th फिनिश किया, बोले आगे अच्छा होगा, क्योंकि कभी हारना नहीं चाहिए जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो मेरा तो यही कहना है कि जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे हार्डवर्क करते रहेंगे, आगे देखेंगे जो भी होगा। क्या बात है, आपका जज्बा, मतलब आई वॉन्ट टू रियली अप्लॉड, इतना अमेजिंग आपकी सोच है, आपका इतने आपने इंस्पिरेशनल, इतना प्राउड हमने हमारी कंट्री को किया है। मुझे आपने जैसे ट्रेनिंग के बारे में बताया, थोड़ा सा और बताइए दीपा जी, आपकी ट्रेनिंग थोड़ी डिफरेंट होती होगी क्योंकि ओलंपिक्स लेवल की होती है, सो एंड जिमनास्टिक में, तो आपका क्या ट्रेनिंग स्केड्यूल रहता है, और आपकी कुछ गुड हैबिट्स बताइए जो आपको लगता है कि आपको बहुत बेनिफिट करते हैं ट्रेनिंग में, और इवन मैं ट्रेनिंग प्लानिंग होती है, क्योंकि हमारी मेरे जो कोच है वो ट्रेनिंग प्लानिंग बनाती है, तो उनके प्लानिंग से हम चलते ट्रेनिंग के, तो हमारी मॉर्निंग 9:00 टू 10:30 और इवनिंग 3:30 टू 6:30 हमारी ट्रेनिंग होती है जब हम घर पे रहते हैं, और जब अगर हमारा कंपटीशन प्रिपरेशन रहता है तो वो ज़्यादा हो जाते, थोड़ा कभी ऑफ डे भी हो जाते, और बॉडी के प्रिपरेशन, बॉडी के रोज तो बॉडी एक साथ जैसे नहीं देते कभी कभी, तो उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, उसके ऊपर प्लान बनाते हैं, वीकली प्लान बनाते कैसे। हाँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ती है, क्योंकि ओलंपिक में 4th फिनिश करना बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और पेशन की काम होती है, जो शायद मैंने कर लिया, आगे और करना है, क्योंकि फिर से हम पैरिस से क्वालिफाई की कोशिश कर रहे हैं, देखते क्या होते, कोशिश करना चाहिए आगे जो भी हो रिजल्ट। और सच में बोले तो मेरे खुद की मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है कि मैं सबसे पहले, मैं बहुत डिसिप्लिन गर्ल हूँ, मैं अच्छा, मैं awesome.
हमेशा घूमने कहीं उधर उधर नहीं जाती हूँ, टाइम पे सो जाती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे बॉडी रिकवरी नहीं होगा तो नेक्स्ट डे मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगी। टाइम पे कितने और बजे सोते हैं? सॉरी, कितने बजे आप सो जाते हैं? मैं 9:30 बजे तक, 10 से पहले तो हमेशा, मतलब 9:30 तक, 9:15 तक बेड में हो जाती हूँ मैं, अच्छा तो मेरा ऐसा रूटीन है। और कभी कभी सैटरडे अलग बात होती है, ट्रेनिंग नहीं रहता तो वो चीज़। राइट। अदरवाइज मेरी और एक चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली लड़की हूँ, अच्छा जो जब तक नहीं होता है उसको मैं छोड़ती नहीं हूँ, तो वो चीज़ शायद कहीं मेरी आज तक यहाँ पे आने में बहुत ज़्यादा मदद की। वो जुनून जो है आपके उसमें, यू नो, कि भाई करके दिखाना है और एकदम हार नहीं मानना है, जब तक आपकी गोल आप अचीव नहीं कर लेते उसके ऊपर आप मेहनत करते रहे, काम करते रहे, वो जुनून आए तो बोलते हैं ना, वो जो फायर इन द बेली, वो है आप में डेफिनेटली है। सो ऑसम ऑसम। सो आपकी जीवन की बेस्ट लर्निंग क्या रही है आप? लास्ट 3-4 साल की जो बात है मेरे जीवन की, बहुत ज्यादा उसमें मैंने सीखी कि जब आप लो मूड में होते हो, जब आपकी इंजरी फेस सब कुछ रहता है, तब उस टाइम अगर मैं निकल गई ना, तो मैं उसकी शेर हो गई उस चीज में, तो मैं जिंदगी में शेर बन गई। और मैं सच में शेर, मुझे खुद लगता है, क्योंकि सब बताते हैं कि अब छोड़ दो, हो गया, और क्या करना है, तुमने बहुत कर लिया, इंडियन जिमनास्टिक्स को इतने कुछ देके, इतने इंजुरी, इतना पेन फेस करके, और क्यों करना है। मैं बोला नहीं, और भी कुछ करना है, फिर छोड़ना है, क्योंकि मैंने अपने आप से लड़ा। सबसे बड़ी बात चीज ये है कि लोगों से लड़ना पड़ते, मैंने अपने आप से लड़के जीत के आज यहाँ तक पहुंची। और जब लोग हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं ना, वो हमेशा जीतते हैं, ये मेरा खुद का कहना है, और मैंने खुद देखा। अगर हम खुद से स्ट्रांग फील कर सकते, फिर से मैं मेंटली की बात कर रहा हूँ, अगर हम खुद से स्ट्रांग है और हम सच्चाई के रास्ते में है, तो हमेशा हमें थोड़ा देर होगा, बट सच्चाई जरूर आगे आएगा। ऑसम, ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर। मुझे थोड़ा सा बताइए, आपके कोई फेवरेट गेम मेमोरी के बारे में बताइए, कुछ आपके एनेक्डोट्स आपके। सबसे ज़्यादा खुशी मेरे मेरे लाइफ की अगर जो थी, वो 2014 ग्लासगो मेडल थी, कि जब मैं जीती थी। उससे पहले बहुत कुछ सहना पड़ा हमें, मतलब लड़कियां नहीं कर सकती है, लड़की लोगों को बस हो गया, अब इनको मतलब इनसे नहीं होगा, सब बहुत कुछ सुना, फॉरेन कोच आए थे, सब लोगों ने ऐसे लाइन अप करके भी बोला बहुत। तो जब मेडल जीती, मैं तुरंत प्रोदोनोवा लैंड कर गई, क्योंकि वो सबसे हाईस्ट वॉल था, तो वाह, मैंने सर को ऐसे ही पकड़ा कि सर को बोला सर मेडल करूँ, सर मुझे बहुत डांटा, चुप करो, ऐसे नहीं होते, देखते क्या होता है, क्या होते हैं, ऐसा नहीं, बहुत लड़ी, अच्छे अच्छे भी है आगे। जी तो फिर मैंने बोला ठीक है सर, नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा, अब तो मुझे अर्जुन और आपको द्रोणाचार्य मिल ही जाएगा सर, क्योंकि हमारी गर्ल्स की पहली मेडल है। तो वो टाइम जो थी ना, और जब सबका प्यार, सबका इतने सारे मैसेज, वो बहुत खुशी की बात थी। और एक बार मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई थी जब मैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, टेस्ट इवेंट में गई थी मैं, टेस्ट इवेंट में एक्चुअली मैं रिजर्व में थी, वहां पे किसी ने विड्रॉ किया तो मुझे चांस मिला, तो अच्छा बहुत बड़ी बात है वो, ऐसे अपॉर्चुनिटी भी मिलना, जी क्योंकि ऊपर वाले ने लिख के रखा था वो चीज, तो क्योंकि मैंने इतना हार्ड वर्क किया इसलिए लिखा होगा मेरे लिए। तो डेफिनेटली मैं गई थी, तो मैंने जैसे 4 इवेंट खेल के ऑलराउंड में, बोला सर आप शायद मैं क्वालिफाई कर लूंगी ओलंपिक में, तो सर बोले ऐसे नहीं। फिर जब उसी मतलब नेक्स्ट डे जब मैं क्वालिफाई किया, और हमारी पीएम ने जो ट्वीट किया था, इतने छोटा सा शहर है त्रिपुरा, और वहां से देखो कहाँ पहुंची, रियो में जाके क्वालिफाई, तो बात है। बहुत बड़ी बात थी। तब बहुत तब तब तो इतना समझ में नहीं आया, अब मतलब इतने सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं थे, अब जब देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उस टाइम उन्होंने हमारे स्टेट को लेके, क्योंकि हम इतने छोटे स्टेट से बिलोंग करते, आधे लोगों को पता भी नहीं था, बट आज दुनिया में सब लोगों को पता है। तो वो दो टाइम बहुत बड़ी खुशी की पल थी मेरे लिए, मैं चाहती हूँ फिर से कभी मेरी जिंदगी में मैं ऐसा कुछ हिस्ट्री करूँ, फिर मेरे लिए ट्वीट करूँ।
नहीं, ज़रूर, क्यों नहीं, आपका इतना दृढ़ निश्चय है, आपका इतना डेडिकेशन, और इतने आप जैसे बोलते हैं ना, फुल ऑनेस्टी जब होता है अपने काम के तरफ जैसे आप में है, तो कुछ एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. सो आई एम श्योर आपको और सक्सेस मिलेगी. आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपके सारे ड्रीम्स आए, आई होप आप उनको अचीव कर पाएँ. आप मुझे बताइए, आपके जैसे विनिंग माइंडसेट होने के लिए किन किन बातों का ध्यान करना पड़ता है? विनिंग माइंडसेट के टाइम मेरा एक ही रहता है, जब मैं कंपटीशन फाइनल पे रहती हूँ, कि मैं जो अपने परफॉर्मेंस सीख के गई, मुझे वो बेस्ट देना है, बस वो करके आना है. आगे रिजल्ट कुछ भी हो, कि लास्ट अभी मैं बाकू गई थी, मैं वहां पे अच्छा किया बट मेरा रिजल्ट नहीं है, मैं फोर्थ हुई, तो थोड़ा सा तो बुरा लगता ही, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ. मैं तुरंत मेरे सर को बताया, सर पता नहीं क्यों मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा है. सर बोले, तुझे रोना कैसे आएगा, क्योंकि तूने तेरा बेस्ट दिया. मैंने पूरी कोशिश किया बेस्ट, तब भी हो जाते, कभी कभी दिन नहीं रहते, कभी कभी थोड़े के लिए मेडल चाहिए, यही तो गेम है. तो सर ने समझ, बोले मेरा रोना नहीं आ रहा है बट मैं दुखी हूँ. सर बोले, तुम्हें रोना नहीं आएगा, क्योंकि तुम अपना बेस्ट दिया, अपने कोशिश किया, आगे और बेहतर करना है अभी जाके, और क्या कर सकते. बस मेरा ये रहता है कि अपना बेस्ट देना है, आगे जो भी होगा रिजल्ट. ऑसम ऑसम. एंड वही होता है कि मतलब अगर आउटकम के बारे में नहीं सोचो, एंड मतलब अगर हम उस मोमेंट में प्रेजेंट होके अपना बेस्ट से बेस्ट करें, जैसे आपने किया, सो आई थिंक उसके बाद तो एनीथिंग इज, उसके बाद एक्चुअली कुछ और मैटर नहीं करता. सो अच्छा, आपके फेवरेट कोई एथलीट है, और कौन है और क्यों है, आपके वो फेवरेट क्यों है, आप उनकी उनके जीवन से आपने क्या सबसे बड़ी सीख हासिल करी है? देखिए, फेवरेट एथलीट तो बहुत है, ऐसे नहीं, हम माने तो बहुत लोग इंडिया में अगर है तो, हमने पीवी सिंधु को वो देखा जी, उसका पहले रियो से जर्नी देखा साथ में, मतलब. और देखे तो अभी मुझे आजकल बहुत अच्छा लगने लगा, एक वो रेसलिंग की है, कुछ फोगट है उस, ऐसे है, मैं नाम भूल गई, विनेश नहीं, दूसरा है अभी जिन्होंने क्वालिफाई किया, वो मुझे अच्छा लगा. तो और भी दो तीन एथलीट है, जैसे एग्जांपल नीरज चोपड़ा की, जो उसका तो बहुत अच्छा रहा, उसका तो सब गेन अप रहा. तो एज ए एथलीट में देखूँ तो हमारे जो जिम्नास्टिक्स में है, रेविका एंड्रीना है, जिसका जिसके साथ थोड़ा कभी स्टोरी मेरा भी मिलता है, उसका तीन तीन ACL हुआ, मेरा दो, उसके बाद वो लास्ट ईयर चैंपियन बनी वॉल्टिंग टेबल का, तो मुझे बहुत, मैं इनकी स्टोरी देखती तो मुझे अच्छा लगता है कि इतना इंजुरी के बाद वो कम बैक कर सकते, तो हम क्यों नहीं. तो बस यही है. और भी एथलीट है जो गर्ल्स में आजकल आगे आ रहे, और एक भी है जैवलिन में, तो वो लड़कियाँ भी बहुत आगे बढ़ रही है आगे, और इनको देख के अच्छा लगता है कि वो लोग भी कर रहे हैं, हमारे कंट्री के लिए कर रहे हैं, और स्पेशली इतने सारे इनका होप है, इतना टारगेट है उनको फुलफिल करने में, मुझे वो सब चीज़ से बहुत अच्छा लगता है. सुपर सुपर. आपको बेस्ट एडवाइस क्या मिली है जीवन में, जो आप शेयर करना चाहेंगी? मेरी जीवन की बेस्ट एडवाइस यही मिले, कभी पीछे मत देखो, सिर्फ आगे बढ़ो, जो हो गया वो बैक, आपको सिर्फ आगे देखना है. ऑसम ऑसम. और आप अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करती हैं, जैसे आपने बताया था ऑल काइंड ऑफ, मतलब आप जैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मतलब आपकी इंजरी भी आपने इतनी बार फेस करी, एंड देन आपका इतना कम बैक हुआ, तो मेंटल फिटनेस और मतलब मेंटल स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपने बताया. तो लेकिन फिर भी इट्स नॉट ईजी, हम इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग, कहना बहुत आसान है, उसको मतलब जब आप खुद फेस कर रहे हो तो मतलब ऑब्वियसली आपको ही पता है कि आप कितना हार्डशिप्स और चैलेंजिंग होता है. तो उस समय आप मोटिवेट अपने आप को करने के लिए आप अपने आप को क्या बोलती हैं, कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट? अपने आप को तो मैं तब मोटिवेट करती हूँ कि मुझे पीछे नहीं देखना है. हाँ, कभी कभी उदास हो जाती हूँ, जो भी हो जाती हूँ, फिर वापस मैं आ जाती हूँ उस जोन पे कि मुझे करना है. करने के लिए आप उदास होकर बैठोगे तो आपकी दिन खराब होगा, इससे अच्छा आप आगे बढ़ो.
और मैं कभी कभी बहुत फूडी हूँ, स्पेशली मैं कभी खा लेती हूँ बाहर जाके वगैरह वगैरह, बट आजकल मैं नहीं खाती हूँ, 1-1.5 साल से पूरा सब कुछ बंद है। और मैं शॉपिंग करना पसंद करती हूँ, नाइस, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, मेरे नीस है उसके साथ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। अदरवाइज ज्यादा ज्यादा टाइम है तो मुझे लगता है मेरे सबसे अच्छा बेस्ट टाइम जाती है जिम में, जब मैं जिम में रहती हूँ बच्चे लोगों के साथ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। Awesome, awesome, awesome. One thing that I want to, आपका साइड पैशन बताइए. मैं आई एम श्योर जैसे हर एक जो बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं, या फिर इवन जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो वायलिन बजाते थे बिसाइड्स, मतलब कुछ आपका कोई साइड पैशन है जो आप फॉलो करते हैं बिसाइड्स योर नहीं, डेली रीडिंग या फिर यू? ऐसे मैं कुछ फॉलो नहीं करती हूँ, बट मुझे जब फ्री टाइम मिलते हैं, मैं कभी कभी बच्चों के साथ कोचिंग में खेलने में मैं बहुत बहुत अच्छा फील करती हूँ, गुड फील करती हूँ इनके साथ। हाउ नाइस, हाउ नाइस. ओके, सो वन लास्ट क्वेश्चन आपका, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, और भारत के जो अपकमिंग युवा हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भारत के जितने अपकमिंग युवा है, मैं इनको बताना चाहूंगी, जब तक अपने मंजिल तक ना पहुंचो ना, तो हार मत मानो। आप करते रहो, कभी ना कभी आपको आपके टाइम आएगा, ये मेरा लाइफ के साथ सीख के ये है। और जितने भी है कि हार्ड वर्क उस ऑलवेज पे ऑफ यू, आप मेहनत करो उसकी रिजल्ट मिलेगा आपको। आप जिसी लाइन पे भी हो, स्पोर्ट्स में हो, कोई कल्चरल प्रोग्राम में हो, कोई डांस में हो, कोई सिंगिंग में, एनी जिसका जो स्ट्रीम होती है, अगर उस चीज में आप अपने मन से मेहनत करोगे ना, तो उसकी रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। फैबुलस, सच अ वंडरफुल मैसेज. थैंक यू सो मच फॉर दिस. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द शो. थैंक यू सो मच दीपा जी फॉर जॉइनिंग मी इन दिस एब्सोल्युटली अमेजिंग सेशन. थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू डेज एपिसोड विद योर होस्ट गरिमा अवतार. सी यू द नेक्स्ट वन. हैव अ ग्रेट डे. बाय.